Hello everyone, welcome to Never Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about refusal notes for Australia, Canada, New Zealand and UK. तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल. इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिफ्यूज़ल नोट्स क्या होते हैं. गाइस, जो रिफ्यूज़ल नोट्स होते हैं उस पर जो है आपका एग्जैक्ट रिफ्यूज़ल का रीज़न बताया होता है. जब आप अपना ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड या यूके का किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी जो रिफ्यूज़ल लेटर आती है उस पर मोस्टली उन्होंने पर्पज़ ऑफ विजिट या एसेट या फाइनेंशियल का जो रीज़न दे के आपकी जो है रिफ्यूज़ल लगाई होती है. लेकिन कई बार जो होता है उस पर आपका एग्जैक्ट रीज़न नहीं लिखा होता है. तो आपको अपना जो है एग्जैक्ट रीज़न पता करना होता है, उसके लिए आपको जो है रिफ्यूज़ल नोट्स अप्लाई करने पड़ते हैं. रिफ्यूज़ल नोट्स को कुछ कंट्रीज़ में GCMS नोट्स बोलते हैं, KEPS नोट्स बोलते हैं या ऑफिसर नोट्स भी बोलते हैं. मोस्टली जो एजेंट्स हैं वो सिर्फ कनाडा के रिफ्यूज़ल नोट्स यानी कि GCMS में ही डील करते हैं. लेकिन इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके से भी अपने रिफ्यूज़ल नोट्स निकलवा सकते हैं. सो रिफ्यूज़ल नोट्स किन लोगों को अप्लाई करने होते हैं? जिनकी ज़्यादातर मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स आई हैं, वो चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी, किसी भी वीज़ा सब क्लास की है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे विजिटर वीज़ा है, चाहे कोई अदर टेम्प्रेरी वीज़ा है, इनमें से किसी भी कंट्री का, और उनको नहीं पता चल रहा है कि उनकी रिफ्यूज़ल्स क्यों आ रही हैं, तो उनको बार बार रिफ्यूज़ल लेने से पहले जो है एक बार अपने ऑफिसर नोट्स या रिफ्यूज़ल नोट्स निकलवाने चाहिए. क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं वो डिसीजन देते टाइम जो है अपने नोट्स बनाते हैं कि उन्होंने ये इस एप्लीकेंट को जो है इस बार रिफ्यूज़ल क्यों दी है. तो आपको जो है अपने रिफ्यूज़ल नोट्स निकलवा के ही सेकेंड टाइम अप्लाई करना चाहिए. और रिफ्यूज़ल नोट्स के अलावा आप उनसे जो है अपनी फाइल भी निकलवा सकते हैं. अगर आपको नहीं पता कि आपने जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे इन योर प्रीवियस वीज़ा एप्लीकेशन, जब आपको नहीं पता कि आपके प्रीवियस एजेंट ने आपकी कनाडा की फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, और आपको ये भी नहीं पता कि आपके कौन कौन से वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किए थे, और आप उसमें GCMS या रिफ्यूज़ल नोट्स के अलावा आप जो है अपनी पूरी फाइल भी निकलवा सकते हैं. सो जो एंडेवर इमिग्रेशन की टीम है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके इन सारी कंट्रीज़ के रिफ्यूज़ल नोट्स एंड फाइल्स में डील करती है. अगर आपको भी अपने रिफ्यूज़ल नोट्स निकलवाने हैं तो आपको जो है सिर्फ अपनी रिफ्यूज़ल लेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो आपकी प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स होती हैं, जहाँ जो आपकी रिसेंट रिफ्यूज़ल आई होती है आपको उस रिफ्यूज़ल लेटर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको हमें प्रोवाइड करनी होती है टू गेट योर रिफ्यूज़ल नोट्स और टू अप्लाई योर रिफ्यूज़ल नोट्स. तो अगर आप भी अपने रिफ्यूज़ल नोट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें जो है दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. Thanks for watching this video. See you in the next video.